हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ साइंस बाय प्रिया मैम पे। स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब? मेरे हिसाब से बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चलिए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही जोरदार और बहुत ही जबरदस्त तरीके से। जैसे कि यहाँ पे काफी स्टूडेंट जो है वो मुझसे जुड़ चुके हैं, ठीक है, आइए। ठीक है, थैंक यू मनोज जी। और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ चुके हैं। आज हम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कुछ मन में जो ख्याल स्टूडेंट्स के नॉर्मली आ जाते हैं कि भाई ऐसा है तो ऐसा क्यों है, उनके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोग कई चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चों को सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। इस सेशन को पढ़ाने का सबसे पहला तात्पर्य होता है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, सेक्स हार्मोन से एक तो वो हो जाए, ज़्यादातर फीमेल सेक्स हार्मोन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने बताया, और इसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो जागरूकता वाले हैं। ठीक है, कौन सी चीज़ कैसे कैसे होती है वो सब बताया जाता है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे हम लोग अपने रिप्रोडक्शन से। सबसे पहली बात, मेरी UPSI की एक बुक आती है जो सबसे फेमस बुक है इस टाइम पे, सबसे ज़्यादा ये दोबारा से आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। ठीक है, अगर आपको ऑर्डर करना है तो राय बुक शॉप पे आप एक बार मैसेज डाल दीजिए और आपको दोबारा से वो रीऑर्डर होकर 2-3 दिन में आ जाएगी, क्योंकि ये बुक जो है वो UPSI की इतनी डिमांडिंग हो रही है कि दोबारा से आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। तो जल्दी से अपने स्टॉक को अवेलेबल रखने के लिए राय बुक शॉप या अमेजन या फ्लिपकार्ट पे आपको मेरी बुक मिल जाएगी। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि अगर आपको कोई भी PDF चाहिए तो वो मिलेगी साइंस बाय प्रिया मैम पे। जो भी मैं नोट्स आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाती हूँ प्रोवाइड वहीं पे करवाती हूँ, जो भी MCU करवाती हूँ, मेल फीमेल रिप्रोडक्शन के नोट्स आपको एक साथ मिलेंगे। तो आज मेल खत्म हो जाएगा तो फीमेल और मेल दोनों के एक साथ आज ही मिल जाएंगे आपको। दूसरी बात है, ये क्लास जो होती है रोज रात के 10 बजे चलती है। 9 बजे हम लोग इन्वायरमेंट शुरू करने वाले थे, लेकिन वो अब हम मंडे से शुरू करेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये है, आप लोगों को मेरी क्लास को अटेंड करना है, हार्डवर्क करना है, रिवीजन करना है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले। ठीक है बेटा, धर्मेंद्र पढ़ ले, पढ़ाई पे ध्यान दे। आज हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जब मैंने आप लोगों को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाते टाइम, यानी मादा प्रजनन तंत्र पढ़ाते टाइम, मैंने आपको सबसे महत्वपूर्ण जो बात बोली थी वो ये बोली थी कि बच्चों आपका जो सेक्स हार्मोन है वो मायने रखता है, कि सेक्स हार्मोन जो है वो कौन से है, कौन सा प्राइमरी ऑर्गन होता है, कौन सा सेकेंडरी ऑर्गन होता है। तो सारे बच्चे सबसे पहले सेशन को जोरदार तरीके से लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है, हाँ जी मैम, सौरभ जी पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। देखो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो मेल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कौन से उनकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं। ठीक है, पहली बात तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, नर प्रजनन तंत्र की बात करें, तो बच्चों नर प्रजनन तंत्र यानी किसी भी पुरुष के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों होता है, ताकि वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सके। तो ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है, दो भागों में विभाजित होता है। सबसे पहला होता है बेटा आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या करवाते हैं, रिप्रोडक्शन करवाते हैं। ये क्या करवाते हैं, ये तो करते हैं रिप्रोडक्शन, ये क्या करते हैं, कल भी बताया था, ये क्या करते हैं बच्चों, ये प्रजनन करते हैं, और ये प्रजनन में सहायक होते हैं, ये प्रजनन में सहायक होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, हेल्प, ठीक है, हेल्प इन रिप्रोडक्शन, ये प्रजनन में सहायक होते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों से पूछा जाता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। ठीक है बच्चों, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से एक्चुअली में किसी इंसान की पहचान होती है, किसी इंसान की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जिससे सबसे पहले ये पहचान हो कि वो लड़का है, या किसी लड़की के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो उससे ये पहचान होती है। मतलब डॉक्टर बोलता है ना कि लड़का हुआ है, लड़की हुई है, बधाई हो जी, तो वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को तो देख के ही पता लगता है, यानी जो सबसे पहले अंग आते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जो एक उम्र के आने के बाद समझ में आता है, हाँ मैं लड़का हूं और मैं लड़की को पसंद करता हूं, या मैं लड़की हूं मैं लड़के को पसंद करती हूं। ये लगभग जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होता है आपका, जो भी जैसे स्पर्म हो गया या जो एग फॉर्मेशन हो गया, ये लगभग 12 साल की उम्र में हो जाता है शुरू। कितने साल की उम्र में, जैसे आप बोलो मैं लड़का हूं तो ऑब्वियसली बात है आप लड़के हो, कैसे पता लगा आपके, आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से।
और आप लड़की को पसंद करते हो, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से पता लगता है, ठीक है। दाढ़ी मूछ का आना, ये सब आना, ठीक है, ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए, यही है अर्जुन जी, हो जाएगा जी, ठीक है, क्लियर है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप लोगों के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के अंदर क्या क्या पाया जाता है। यूरेथ्रा, ठीक है, ये आपको पता है, एपिडर्मिस, पेनिस, टेस्टिस, स्कॉटम, ठीक है, और वेस, वेस डिफरेंस। वेस डिफरेंस एक बहुत ही अनमोल कड़ी है। क्यों अनमोल कड़ी है? आप लोगों का ना एक दो बच्चों का क्वेश्चन आया था जो कि मैंने पढ़ा था, कहते मैम कई बार स्पर्म जो होता है वो टॉयलेट के रास्ते बाहर निकल जाता है, तो ये एक बीमारी है अगर स्पर्म जो है वो टॉयलेट के रास्ते बाहर निकल जाए। या फिर रास्ता तो वही है, लेकिन रास्ता तो वही है, लेकिन जब आपको टॉयलेट आता है तो स्पर्म जो है वो बाहर नहीं निकलता। अगर टॉयलेट के रास्ते स्पर्म बाहर निकल जाएगा तो स्पर्म काउंट कम हो जाएगा और उसके पिता बनने के चांसेस सबसे कम हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, पिता बनने के चांसेस सबसे कम हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। गुरु माँ एक बार नाम ले दो नया स्टूडेंट, गोला गोला, ठीक है। हाँ जी, कहती बात समझ में आई? एक बच्चा बोलता है शिवांचल तिवारी, इसका मतलब है आपकी जो ग्लैंड है, ग्लैंड वो काम नहीं करते, जिसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पुरुष के अंदर दो टेस्टिस पाए जाते हैं। कितने टेस्टिस पाए जाते हैं? किसी भी पुरुष के अंदर कितने टेस्टिस पाए जाते हैं बेटा? दो टेस्टिस पाए जाते हैं। टू टेस्टिस आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में दो टेस्टिस पाए जाते हैं किसी भी मेल के अंदर, ठीक है। अब ये जो दो टेस्टिस होते हैं ये एक थैली के अंदर होते हैं, ये जो दो टेस्टिस होते हैं ये एक थैली के अंदर होते हैं, और इस थैली को हम लोग स्कॉटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस थैली को हम लोग स्कॉटम बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्षाण कोश। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग वर्षाण कोश। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्षाण कोश बोलते हैं। इस कोश के अंदर ये टेस्टिस होते हैं, तो ये क्या करती है? इसको टेम्परेचर से बचाती है। ये इसको क्या करती है बच्चों? टेम्परेचर से बचाती है। वर्षाण कोश क्या है बच्चों? वर्षाण कोश एक थैली नुमा संरचना है। क्या है बच्चों? एक थैली नुमा संरचना है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग पाउच लाइक स्ट्रक्चर। थैलीनुमा संरचना है और टांगों के बीच में पाया जाता है, टांगों के बीच में। अच्छा बच्चों एक सवाल है, ये शरीर के बाहर ही पाया जाता है क्या? नहीं, ये शरीर के बाहर एक एज में आके, एक स्टेज में आके आता है। देखो जब आप माँ के पेट में 7 महीने के होते हो, मैं आपको बताती हूँ, कई बार आपने देखा होगा पुरुषों को जब इस जगह चोट लग जाती है, तो वो अपना पेट पकड़ लेते हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि जहां से ये बने वहीं पहुंच जाते हैं, ठीक है। जब आप भ्रूण होते हो, जब आप एम्ब्रॉय होते हो, क्या होते हो बच्चों? भ्रूण होते हो, ठीक है, तब ये आपके 7 महीने तक पेट के अंदर रहता है, ठीक है। 7 मंथ तक पेट के अंदर रहता है, पेट के अंदर 7 मंथ तक रहता है। उसके बाद बाहर आता है। 7 महीने तक पेट के अंदर रहता है और उसके बाद बाहर आता है। बच्चों अगर सपोज करो ये किसी बच्चे के अंदर बाहर ही ना आए तो कौन सी बीमारी होगी बताइए? अगर ये किसी बच्चे के अंदर बाहर ही ना आए तो क्या बीमारी होगी? ठीक है, कहती बात समझ में आई? बताओ बेटा कोई बीमारी है? बिल्कुल है बेटा। अगर ये 7 महीने तक पेट के अंदर रहते हैं तो इसकी एक बीमारी का नाम होता है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। अगर एक ही स्पर्म रह जाता है और ये ऊपर पेट में रह जाता है, नीचे आता ही नहीं है, तो इस बीमारी को कुछ कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक बच्चे ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, इसको बोलते हैं क्रिस्प। देखो ये जो शब्द है ये किससे लिया हुआ है? क्रिस्प से लिया हुआ है, क्रिस्टोर, और फिर जो शब्द होगा, ठीक है, वो होगा चिडिसिम। क्रिस्टोर चिडिसिम,
ठीक है। ये क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, ये एक मतलब एक तरह की बीमारी होती है बच्चों के अंदर। इसमें क्या होता है, एक टेस्टिस अंदर रह जाता है और एक टेस्टिस बाहर। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों, एक टेस्टिस में ऐसी बात नहीं, वो बाप तो बन सकता है लेकिन इसके चांसेस कम है, स्पर्म तो रिलीज होगा, कम रिलीज होगा। जैसे सपोज करो आपकी दो आंखें हैं, एक आंख निकाल दिया जाए, दिखेगा तो पर उतना अच्छा नहीं। एक कान खराब हो जाए, दिखेगा सुनेगा तो पर उतना अच्छा नहीं। दो किडनी है, एक निकाल दो तो चल तो रहा है काम, पर उतना बेटर नहीं। तो कहने का मतलब, काम तो चलेगा, स्पर्म तो रिलीज होगा, लेकिन बच्चे पैदा करने की जो चांसेस है वो कम होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं, बच्चों, अगर हम लोग बात करें एक टेस्टिस, टेस्टिस का मतलब होगा स्टेरिलिटी, नपुंसकता। अगर किसी के अंदर एक टेस्टिस है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है बच्चा, उसके अंदर क्या है बच्चा, नपुंसकता है। क्या है? नपुंसकता, स्टेरिलिटी। इनफर्टिलिटी शब्द जो होता है वो महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, स्टेरिलिटी होगा। हाँ बेटा, अगर टॉयलेट के साथ स्पर्म आ रहा है तो उसको आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आएगा। और ज्यादातर इसको अगर सोते टाइम आए, इसको नाइटफॉल बोलते हैं, टॉयलेट के रास्ते से स्पर्म आना, नाइटफॉल, और वो किसी कमी की वजह से होता है। आपकी एक ग्लैंड होती है वो कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। नपुंसकता बोलेंगे अगर एक टेस्टिस होगी। स्पर्म काउंट की जो संख्या है, शुक्राणुओं की जो संख्या है बच्चों, अगर कम होगी, ठीक है, शुक्राणुओं की संख्या कम होगी, इसका मतलब आपको स्टेरिलिटी होगी, ठीक है, आपको स्टेरिलिटी होगी। और वो ऐसा कब होगा, जब आपका एक टेस्टिस होगा, नपुंसकता होगी, स्पर्म काउंट कम होगा। दूसरी बात, सर्दियों में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, देखो सर्दियां जब होती है ये ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ चढ़ जाती है थैली, और गर्मियों में ये फैल जाती है, ठीक है, गर्मियों में फैल जाती है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ कि जो टेस्टिस होता है वो शरीर से बाहर क्यों होता है। सबसे पहले आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, आपके शरीर का तापमान क्या होता है। अगर मैं शरीर के तापमान की बात करूं तो 37 डिग्री सेल्सियस, यानी 37 डिग्री सेल्सियस आपके शरीर का तापमान है, ठीक है। अब कम से कम अगर नीचे गिराऊं मैं इसको, तो करीबन करीबन 30 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। और स्पर्म बनने के लिए, स्पर्म बनने के लिए इसको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, ठीक है। जब सर्दियां आती है तो गर्मी लेने के लिए पेट की तरफ चला जाता है, और जब गर्मियां आती है तो पेट की गर्मी ज्यादा होती है, पेट से दूर चला जाता है, ठीक है। एक बहुत सिंपल सी बात है, हमारे शरीर के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है। जैसे जब सपोज करो किसी पुरुष को टॉयलेट आ रहा है तो वो गर्म आएगा, क्यों आएगा, शरीर की गर्मी की वजह से। 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है हमारे शरीर का, तो गर्मी के कारण जो होगा वो स्पर्म ज्यादा नहीं बन पाएगा। इसीलिए भगवान भी गजब चीज है, शरीर के नीचे रखा हुआ है इसको। सर्दी आती है गर्मी लेने के लिए ऊपर की तरफ, और जब गर्मी आती है तो नीचे की तरफ फैल जाता है। कहती बात समझ में आई, क्लियर है? चलिए, अगर टेस्टिस के वजन की बात की जाए, ठीक है, जो टेस्टिस होती है, इसका जो वजन होता है, इसका जो वेट होता है, सारे बच्चे सेशन को जोरदार तरीके से लाइक और शेयर करेंगे, कम से कम 1000 लाइक हो जाने चाहिए, उसके बाद आगे मैं बताऊंगी टेस्टिस का वेट क्या होता है। और ऐसी कौन सी ग्लैंड होती है जो बीच में अटकी हुई रहती है, उसके बारे में बताने वाली हूं, ठीक है। अजय बेटा, ऐसा है, पहली बात तो मैं कोई सेक्स स्पेशलिस्ट नहीं हूं कि तेरा डेली नाइटफॉल हो जा रहा है तो मैं कुछ करूं, ठीक है। ये गुप्त रोग वाली क्लास तो चल नहीं रही है, देखो साफ मेरी सीधी बात सुनो, ठीक है, क्लास चल रही है जो एग्जाम में पूछा जाता है, और कुछ आपके डेली कारण, ठीक है। तो भैया प्लीज ऐसे सवाल यहां मत करो, ठीक है, क्यों होता है वो मैं बता दूंगी, इसका क्या कहते हैं, दवाई क्या होता है ये मेरे को नहीं पता। प्रोस्टेट ग्लैंड, बिल्कुल प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बताने वाली हूं। जर्म सेल जो होती है पैनक्रियाज, राजकुमार पैनक्रियाज में पाई जाती है, जर्म सेल जो पैनक्रिया को बनाती है। कम से कम 1000 लाइक हो जाने चाहिए जब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाली हूं, ठीक है। एक तो इसके वेट के बारे में बताने वाली हूं, इसका वेट क्या होता है, इसका भार क्या होता है, इसकी लेंथ क्या होती है, इसकी लंबाई क्या होती है, इसका वेट क्या होता है, इसका लेंथ क्या होता है, और इसकी विड्थ क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है इसकी। भाई जब 1000 लाइक होंगे तभी आगे बात बढ़ेगी, 1000 से ऊपर पहुंचेंगे लाइक तभी आगे बात बढ़ेगी, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो हमारे देश में रेपिस्ट होते हैं उनका क्या इलाज है।
हमारे देश में जो रेपिस्ट होते हैं, जो रेप करते हैं उसके बाद जेल में पड़े रहते हैं, उसके बाद उनपे मुकदमा चला रहता है, उसके बाद कई बार वो रिहा हो जाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया इलाज मेरे पास में है। ठीक है, सब सामान ऐसे ही रहेगा, पर वो कभी किसी का रेप नहीं कर पाएंगे, किसी की तरफ देख भी नहीं पाएंगे। जैसे बताइए, बेटा टॉयलेट और स्पर्म का रास्ता एक ही है, लेकिन एक बीच में दरवाजा लगा रहता है जो इसको रोकता है। तो भाई पहले 1000 लाइक हो जाएंगे उसके बाद बताएंगे, पहले 1000 लाइक हो जाएंगे उसके बाद बताएंगे। सेशन को एक बार जोरदार तरीके से सारे के सारे बच्चे लाइक कीजिए। वेट की बात करें, ठीक है, तो लेंथ की बात करें बच्चों, इसका जो वेट होता है वो 14 ग्राम होगा। ठीक है, 14 ग्राम दोनों का, हर एक का, एक का, एक का, ठीक है, ओनली वन पेयर, ओनली वन पेयर। एक पेयर का लगभग कितना होगा? 14 ग्राम होगा। अगर लंबाई की मैं बात करूं तो लगभग 4 से लेके 5 सेंटीमीटर जो है उसकी लंबाई होगी, और चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो लगभग 2 से लेके 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, तो ये तो रही लंबाई चौड़ाई की बात और वजन की बात। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, क्लियर है? दूसरी बात है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई ऐसा कौन सा जीव है जिसके अंदर स्कॉटम नहीं पाया जाता, ऐसा कौन सा जीव है जिसके अंदर स्कॉटम नहीं पाया जाता, वर्षाण जो होता है आपका नहीं पाया जाता। जैसे बताइए, वर्षाण कोष किसके अंदर नहीं पाया जाता, वर्षाण कोष किसके अंदर नहीं पाया जाता, फटाफट से बताइएगा, वर्षाण कोष किसके अंदर नहीं पाया जाता, फटाफट से बताइएगा, किसके अंदर नहीं पाया जाता, स्कॉटम किसके अंदर नहीं पाया जाता। मैंने आज तक एक ही जीव के बारे में बताया है, आज मैं दो जीवों के बारे में बताऊंगी। स्कॉटम किसके अंदर नहीं पाया जाता, ऐसा कौन सा जीव है, इंसान भी है, जानवर भी है, सब कुछ भी है, ऐसा कौन सा जीव है जिसके अंदर थैली नहीं पाई जाती, स्कॉटम पाया ही नहीं जाता, कोष ही नहीं पाया जाता, जैसे बताइए। बिल्कुल, देखो एक तो हो गया हाथी, आपका हाथी मेरे साथी है ना, एक तो हो गया एलिफेंट, और एक इंसान का साथी कौन होता है, डॉल्फिन के अंदर नहीं पाया जाता, वेल के अंदर नहीं पाया जाता, क्योंकि ये तो बच्चे देते हैं ना, अंडे थोड़े ना देते हैं, है ना, तो इनके अंदर नहीं पाया जाता। क्लियर है, क्लियर है बच्चों? अब अगर आप लोगों से पूछा जाए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज द वर्क ऑफ टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस का कार्य क्या है, टेस्टिस का कार्य क्या है, वर्षाण का कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, इसका वर्क क्या है, तो आप सभी को पता है, इट प्रोड्यूस स्पर्म, ठीक है, शुक्राणु का निर्माण करता है, क्या करता है बेटा, शुक्राणु का निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। तो बेटा ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्षाण कोष जो है किसके अंदर नहीं पाए जाते, ये करता है शुक्राणु का, क्या करता है बेटा, निर्माण करता है। ठीक है, अब आगे बढ़े बच्चों, चलिए, ठीक है, अब स्पर्म कौन बनाता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये देखिएगा, स्पर्म के अंदर जो न्यूट्रिशन है, पोषण जो है, ठीक है, वो किस सेल के द्वारा, मतलब किस सेल के द्वारा उसे मिलता है, तो देखिए ध्यान से, सेल टोली जो सेल होती है, सेल टोली जो कोशिकाएं होती है, उसके द्वारा स्पर्म को क्या मिलता है, पोषण मिलता है, क्या मिलता है बेटा, पोषण मिलता है। ठीक है, क्लियर है बेटा, जस्ट नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, ठीक है, क्लियर है बेटा। बेटा अगर आप ये पूछ रहे हो कि किस एग्जाम में आता है, तो दुनिया पागल नहीं है, नीट में भी पढ़ाया जाता है, दुनिया पागल नहीं है, नीट में भी पढ़ाया जाता है। बेटा इतनी बात समझ में आई। अगर एपिडर्मिस की बात की जाए, ध्यान से सुनिएगा, एपिडर्मिस की बात की जाए, अधिवर्षाण की बात की जाए, तो जो आपका स्पर्म है, स्पर्म स्टोर्ड इन टेम्पररी फॉर्म, शुक्राणु अस्थायी रूप में संग्रहित होता है, जो आपका एपिडर्मिस होता है उसमें शुक्राणु जो होता है वो कुछ समय के लिए संग्रहित होता है, और जो स्पर्म डक्ट होती है, जो वीर्य नलिका होती है, उसमें ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम एपिडर्मिस से परिवहन होता है। क्या इतनी बात समझ में आई, क्लियर है? तो एपिडर्मिस से परिवहन कहाँ होगा, यहां होगा। देखो अब मैं बताती हूँ क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो, सपोज करो कि आप देखो ये टेस्टिस हो गए, ठीक है, ये ऐसे हो गया, ठीक है, यहां पे फिर एक क्या होगी, ऐसे करके नली होगी जो इसको जोड़ रही होगी। ठीक, अब एपिडर्मिस क्या करता है, एपिडर्मिस इसके चारों तरफ की लेयर है, एपिडर्मिस इसकी चारों तरफ की लेयर है। अच्छा मैं बताती हूँ, एपिडर्मिस में टेम्पररी फॉर्म में स्टोर तो होता है, लेकिन एपिडर्मिस जो होता है बच्चों वो इसके चारों तरफ की लेयर है। ठीक है, इसके चारों तरफ की बच्चों एपिडर्मिस क्या है, लेयर है।
ठीक है, ये क्या करती है, ये आपके टेस्टिस को प्रोटेक्ट करती है, टेस्टिस को क्या करती है बेटा, प्रोटेक्ट करती है। अगर ये ना हो, अगर हल्की सी भी चोट लग गई तो सूजन वूजन आके डैमेज हो जाएगी तुरंत ही है। तो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने का काम एपिडर्मिस का होता है। किसका होता है बेटा, एपिडर्मिस का होता है। क्या इतनी बात समझ में आई, एपिडर्मिस जो होता है सुरक्षा देता है, क्लियर है। स्पर्म डक जो होती है वो स्पर्म निकालने का काम करती है। अब आगे चल के मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ बात बताने वाली हूँ, ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बहुत सारी बातों के बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, ह्यूमन सीमन की बात करेंगे, बहुत सारी चीजों की बात करेंगे, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, जरा वो वाली बात कर लेते हैं बच्चों। टेस्टिस जो होती है, टेस्टिस उसके अंदर ना सेक्स हार्मोन कौन सा बनता है, सेक्स हार्मोन कौन बनता है, तो टेस्ट्रियन भी बोलते हैं इसको, एंड्रोजन हार्मोन भी बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कौन सा होता है, ठीक है, जो नर प्रजनन तंत्र का हार्मोन कौन सा होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में आपसे फीमेल भी पूछ सकता है, मेल भी पूछ सकता है। तो फीमेल के अंदर दो पाए जाते हैं, मेल के अंदर एक पाया जाता है, लेकिन इसके दो नाम है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो टेस्ट्रियन और एंड्रोजन हार्मोन जो होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, मेल के अंदर पाए जाते हैं। अब मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। टेस्ट्रियन जो हार्मोन होते हैं, सेक्स हार्मोन होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये स्पर्म बनाते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये स्पर्म बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं बेटा, स्पर्म बनाते हैं, ठीक है। अब अगर सपोज करो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात सुनिएगा, सांड और बैल में क्या फर्क होता है, सांड और बैल में एक फर्क होता है, सुनोगे ध्यान से। कितने बच्चे इस बात को सुनना चाहते हैं कि सांड और बैल में क्या फर्क होता है और रेपिस्ट के लिए क्या उपाय है। तो इसी की बात पे, यानी इसी के साथ आप लोगों को कम से कम करने हैं 1200 लाइक करोगे तो मैं बताऊंगी सांड और बैल में क्या अंतर होता है और जो रेपिस्ट है उनके लिए क्या करना चाहिए। बहुत आसान तरीका है, सब चीजें वैसी रहेगी लेकिन वो किसी की लड़की की तरफ को देखेगा भी नहीं, ख्याल भी नहीं आएगा उसके मन में। जैसे बताइए, टेस्ट्रियन बेटा सब में ही होती है, क्लियर है बेटा भाई। पहले 1200 लाइक करो क्योंकि ये तो पूरे देश को सुननी चाहिए, ये बात तो पूरे देश को सुननी चाहिए, बात पूरे देश को सुनने वाली भी है, ठीक है, पूरे देश सुने इस बात को, ठीक है, ये भी है, क्लियर है। हाँ बेटा, मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, मैं फिजिक्स भी पढ़ाती हूँ, मंडे से तो मैं फिजिक्स की अनाउंसमेंट करने वाली हूँ भाई। ना मुन्ना ना कम से कम हो जाने चाहिए 700 लाइक है, 700 और लाइक हो जाने चाहिए, फिर उसके बारे में बात करेंगे। 700 और लाइक हो जाने चाहिए, फिर उसके बारे में बात करेंगे। पहले 700 से ऊपर लाइक करो, फिर उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक बच्चे ने बोल रहा है कि इसको बोलते हैं वैसोटॉमी, वैसोटॉमी नहीं। देखो वैसोटॉमी का मतलब क्या होता है, वैसोटॉमी का मतलब होता है कि आपने क्या किया, नसबंदी कर दी। नसबंदी में क्या होगा, स्पर्म तो बनेगा वो बाहर नहीं निकलेगा, स्पर्म तो बनेगा बाहर नहीं निकलेगा, नसबंदी नहीं करनी होती ऐसे लोगों की, नसबंदी नहीं करनी होती। जैसे बताइए, देखो बेटा, जब टेस्ट्रोजन हार्मोन निकलते हैं तब किसी लड़के को लड़की की तरफ अट्रैक्शन होता है, लड़के को लड़के की तरफ अट्रैक्शन होने का ही कारण है टेस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। आवाज बदलेगी, दाढ़ी आएगी, मूंछ आएगी, छाती पे बाल आएंगे, ठीक है, और उसके अंदर एक अट्रैक्शन होगा, एक उसके अंदर क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। किस हार्मोन की वजह से, सेक्स हार्मोन की वजह से, जब ये हार्मोन निकलेगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो चारों तरफ की परत होती है एपिडर्मिस होती है ना, ये चारों तरफ की परत जो होती है एपिडर्मिस होती है, तो अब मेरी बात सुनिएगा, यहां पे मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं। जो रेपिस्ट है, क्या कहते हैं, जो नसबंदी करवाते हैं, देखिए बच्चा, यहां से सुनिएगा, यहां पे दिख रहा है, दिख रहा है, एक है वेस डिफरेंस, क्या है वेस डिफरेंस, वेस डिफरेंस क्या है बच्चों, वेस डिफरेंस ना एक नली है, वेस डिफरेंस क्या है बेटा, एक नली है। नली कैसे है मैं आपको बताती हूँ, नली कैसे है, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, सुनोगे ठीक है। वेस्कोटोमी बोल रहे हो, वेस्कोटोमी क्या होता है, वेस्कोटोमी नसबंदी होती है, वेस्कोटोमी क्या होती है, नसबंदी होती है, वो अलग चीज है, ठीक है। वेस्कोटोमी क्या होती है, वेस्कोटोमी,
वेस्कोटॉमी को बोलते हैं नसबंदी, ठीक है, नसबंदी। नसबंदी का मतलब क्या होता है, ये जो सपोज करो ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, ठीक है, अब इस टेस्टिस में से नस काट दी, ये नस को क्या कर दिया बेटा, काट दिया, काट दिया, स्पर्म तो बनेगा, कट कर दिया, नस को काटने को वैस, वैस नस काट दी, तो नसबंदी, वेस्कोटॉमी, टॉमी की नस काट दी, ठीक है। तो वेस्कोटॉमी क्या होता है बेटा, नसबंदी होता है, तो यहां से नस काट देते हैं, स्पर्म तो बनते हैं, स्पर्म तो बनते हैं, पर वो बाहर रिलीज नहीं होते, बाहर नहीं निकलते, ठीक है। और जितने भी रेपिस्ट होते हैं, ठीक है, एक बैल में और एक सांड में एक फर्क होता है, अगर सांड के दो टेस्टिस निकाल दिए जाए, अगर इस सांड के दो टेस्टिस निकाल दिए जाए, किसके, सांड के दो टेस्टिस निकाल दिया जाए और कुछ ना बचे, बस ये बचेगा, ठीक है, कुछ ना बचे, बस ये बचेगा, सांड के अगर दो टेस्टिस निकाल दिए जाए तो कुछ नहीं बचेगा, बस ये ऐसे बच जाएगा, तो वो बन जाएगा बैल, वो बन जाएगा बैल। और रेपिस्ट के साथ भी सेम यही होना चाहिए, ठीक है, रेपिस्ट के साथ भी सेम यही होना चाहिए, ठीक है, सांड के दोनों टेस्टिस निकाल दो तो वो बैल बन जाएगा। एक रेपिस्ट का अगर हम लोग दोनों टेस्टिस निकाल दे तो उसकी इच्छा ही नहीं जगेगी औरत की तरफ देखने को, ठीक है, स्पर्म नहीं बनेगा, स्पर्म तो बनता है यशोधरा, बट बेटा बाहर नहीं निकलता, ठीक है। अगर दोनों टेस्टिस निकाल दी जाए, अब आप सोचते हो कि मेन पेनिस को काट दिया जाए, अब आप सोचते हो कि इसको काट दे, ठीक है, आपके दिमाग में क्या आता है, सब जो मतलब ऑब्वियसली बात है, गुस्सा आता है, रेपिस्ट है कि भैया इसको काट देंगे, ठीक है, और मतलब काम तमाम, नहीं, रेपिस्ट के हमेशा टेस्टिस निकाल देनी चाहिए। और टेस्टिस निकालने से क्या होगा, वो कभी महिलाओं की तरफ देख ही नहीं पाए, उसके अंदर फीलिंग ही नहीं आएगी, उसका जीवन ही बर्बाद है फिर, ठीक है। कहती बात समझ में आई, क्लियर है? तो हमारे इंडिया में क्या करना चाहिए, टेस्टिस निकाल दो, सांड का बैल बन जाएगा तुरंत ही, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात मैं आप लोग आपको यहां पे बताना चाहती हूं, देखो अब बच्चे ध्यान से सुनना सारे के सारे बच्चे, बच्चों एक होती है वैस डिफरेंस, क्या होती है, वी ए एस, देखो ध्यान से सुनिएगा, एक होती है आपकी वी ए एस, वैस डिफरेंस। वेस्ट डिफेंस क्या होती है बच्चों, वेस्ट डिफेंस एक नली होती है, वेस्ट डिफेंस एक नली होती है जो शरीर के मतलब एक तरह से ये देखा जाए, अगर आप मूत्र आ रहा है आपको, टॉयलेट आ रहा है, तो वो शरीर के बाहर नहीं जाने देगी। देखो क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, सपोज करो ये आपकी किडनी है, ये आपकी किडनी है, ठीक है, इधर से आपका ऐसे करके ये मूत्राशय है, ये क्या है, ये मूत्राशय हो गया आपका, ठीक है, ये किडनी है आपकी, ये क्या हो गया, मूत्राशय हो गया, ठीक है। अब मूत्राशय देखो ध्यान से सुनिए, मूत्राशय ये ऐसे हो गया, तो इसके बीच में एक ऐसे करके एक एक वो होगा, गेट सा होगा, ठीक है, एक गेट सा होगा, और फिर यहां आपकी टेस्टिस होगी, यहां आपकी टेस्टिस होगी। तो क्या होता है, क्या होता है, जो यहाँ से स्पर्म होते हैं, जो यहाँ से स्पर्म होते हैं वो टेस्टिस में नहीं, मतलब जो यहाँ से स्पर्म होते हैं टेस्टिस बनाती है, वो पेनिस के थ्रू बाहर नहीं निकलते, क्योंकि जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, वो इसको जाने नहीं देती। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो स्पर्म को बाहर नहीं जाने देती, टॉयलेट बाहर आ जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताने वाली हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताने वाली हूँ बच्चों, अक्सर ऐसा देखा गया है, अक्सर ऐसा देखा गया है बेटा कि कई बार देखो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो आपकी यहाँ पे होती है, देखो ये रोके हुए हैं यहाँ पे, ये देखो ये जो है ना, ये यहाँ पे, ये देखो, ये देखो ये यहाँ, ठीक है, ये रही यहाँ आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो क्या है, एक दरवाजा है, ठीक है, जो स्पर्म को बाहर नहीं जाने देती पेशाब के साथ में। लेकिन जिनको स्वप्न दोष होता है, जिनको नाइट फॉल होता है, हर किसी को नहीं होता, लेकिन जिनको होता है उनकी प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है नाइट फॉल के टाइम, नाइट फॉल के टाइम प्रोस्टेट ग्लैंड जो होगी वो वीक होगी, वो कमजोर होगी बेटा, और ये बुरी आदतों की वजह से कमजोर होती है। जिन लड़कों को बुरी आदतें होती है, ठीक है, उनकी प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वीक हो जाती है, और ये एक तरह की डिसीज है, ये एक तरह की डिसीज है। वैस का मतलब क्या होता है, ठीक है, वैस का मतलब होता है काट देना, इस नस को काट देना, ये वैस, वैस डिफेंस, वैस डिफेंस जो नस होती है, ये स्पर्म जो है वो क्या कहते हैं, स्पर्म नीचे उतारती है, वैस डिफेंस। कहती बात समझ में आई, क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी बात,
अगर मैं आगे बात करूं बच्चों, ठीक है, एक कॉपर ग्लैंड होती है, एक कॉपर्स ग्लैंड होती है, कॉपर्स ग्लैंड क्या करती है, कोई बताएगा, कोई बताएगा कॉपर ग्लैंड क्या करती है? ठीक है, कॉपर ग्लैंड क्या करती है? देखो बेटा, मेरे को कोई शौक नहीं है इन चीजों को पढ़ाने का, कुछ चीजें एग्जाम में आती है तो जब उससे रिलेटेड है तो हम बता देते हैं, उसके अलावा हमारा भाई जीवन का कोई तात्पर्य नहीं है। ठीक है, कॉपर ग्लैंड क्या होती है बच्चों? कॉपर ग्लैंड क्या होती है? जब सेक्स के ड्यूरिंग ल्यूब्रिकेंट रिलीज करती है, ठीक है, इट सिक्रेट ल्यूब्रिकेंट ड्यूरिंग सेक्स, ठीक है, इट सिक्रेट ल्यूब्रिकेंट ड्यूरिंग सेक्स, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्स, ठीक है, क्लियर है इतनी बात? संभोग के दौरान ठीक है क्या होगा बच्चों? एक चिकना पदार्थ स्त्रावन होगा, एक चिकना पदार्थ स्त्रावन होगा किसके तहत बच्चों? कॉपर ग्लैंड के तहत। कहती बात समझ में आई? ठीक है, कहती बात समझ में आई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन सीमन जो होता है वो क्या होता है बेटा? वीरिया, सीमन और स्पर्म में फर्क होता है। सीमन के अंदर स्पर्म होता है, ठीक है, ह्यूमन सीमन, मानव वीरिया, मेनी ऑफ स्पर्म्स आर फाउंड, कई शुक्राणु पाए जाते हैं। तो सीमन के अंदर शुक्राणु पाए जाते हैं, वीरिया के अंदर शुक्राणु पाए जाते हैं, स्पर्म पाए जाते हैं। तो 3 ml में 30 million होते हैं, अगर 1 ml होगा तो बहुत कम स्पर्म होंगे, जिसकी वजह से स्टेरिलिटी हो सकती है, नपुंसकता हो सकती है। करीबन 3 ml में 30 million होते हैं, और बच्चा पैदा करने के लिए 7 ml चाहिए होते हैं, बच्चा पैदा करने के लिए कम से कम 7 ml चाहिए होता है स्पर्म। दूसरी बात है, इसका जो जीवन काल है वो सिर्फ 20 मिनट का होता है। 20 मिनट में अगर कुछ हो गया तो ठीक है, मतलब 20 मिनट में अगर ये एग से मिल गया, मात्र 20 मिनट के अंदर अगर ये एग से मिल गया, अंडे से मिल गया, ठीक है, मतलब डेट, ठीक है। कहती बात समझ में आई? क्लियर है? स्पर्म बनने में कम से कम 15 मिनट लगता है, और अगर 15 मिनट से कम लगता है तो आप बीमारी का शिकार हो। कहती बात समझ में आई? क्लियर है बेटा? दूसरी बात है, जो स्पर्म होता है, ठीक है, जो स्पर्म होता है वो क्या होता है? एल्कलाइन इन नेचर होता है। स्पर्म जो होता है वो एल्केलाइन होता है, एल्केलाइन मतलब बेसिक होता है, क्षारीय होता है, ठीक है, क्या होता है बेटा? बेसिक होता है, क्षारीय होता है, और इसका जो पीएच मान होता है, पीएच वो क्या होता है बेटा? मोर देन सेवन, ठीक है, 7 से ज्यादा। तो याद रखना है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है टेस्टिस होता है, और सेकेंडरी जो होता है, जो हार्मोन निकलता है, डेट इज टेस्ट्रियन। कोई लड़का है उसको कैसे पता लगा? उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसके पास में है, वो लड़की की तरफ आकर्षित है जब उसका सेकेंडरी सेक्स हार्मोन निकलेगा तब। कहती बात समझ में आई? क्लियर है? पक्का? ठीक है। तो टेस्ट्रियन हार्मोन को एंड्रोजन हार्मोन भी कहा जाता है, जिसमें हम लोग ज्यादातर वॉइस चेंज वगैरह देखते हैं, ठीक है। कहती बात समझ में आई? चलिए, दूसरी बात यह है कि स्पर्म के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, ठीक है, शुक्राणु के अंदर ठीक है, कौन सा शुगर पाया जाता है, ठीक है, कौन सी सकरा पाई जाती है? तो बच्चों याद रखिएगा, उसके अंदर फ्रक्टोज पाया जाता है, C6H12O6 पाया जाता है। क्लियर बेटा? और वेस डिफेंस जो होती है बेटा, वेस डिफेंस क्या है बच्चों? एक नस है, ठीक है, जो स्पर्म क्या करती है, पास करती है पेनिस तक। बच्चों इतनी बात समझ में आई? चलिए अब इस सेशन को जोरदार तरीके से, सेशन को लाइक और शेयर किया जाए। आपके जो एग्जाम के क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिए, ठीक है, इस सेशन को जितना हो सके उतना ज्यादा सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दुनिया में रेप रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, ठीक है, अगर ऐसा कोई कांडी या कांड करता हुआ दिखाई दे तो एक ही काम करना चाहिए, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है, उसके टेस्टिस निकाल लेने चाहिए, ठीक है। टेस्टिस निकालने से क्या होता है? सेक्स डिजायर खत्म हो जाती है।
अगर किसी इंसान के दोनों टेस्टिस निकल जाए, एक टेस्टिस निकलेगा तो भी सेक्स डिजायर रहेगी, अगर दोनों टेस्टिस निकल जाएंगे, ठीक है, अगर दोनों के दोनों टेस्टिस निकल जाएंगे तो सेक्स डिजायर खत्म हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, और आपको बता दिया मैंने वेस्ट डिफेंस क्या होती है, एक नस होती है जो पेनिस से जुड़ी रहती है, वो क्या करती है, वो स्पर्म को पेनिस तक लेके आती है, ठीक है, और बीच में वेस्ट डिफेंस जो नस होती है उसके बीच में, वेस्ट डिफेंस जो नस होती है उसके बीच में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और ये जो ग्लैंड होती है बेटा, ये स्पर्म को टॉयलेट के थ्रू बाहर नहीं जाने देती, और अगर आपका स्पर्म टॉयलेट के थ्रू बाहर जा रहा है तो ये संकेत देता है कि आपका स्पर्म वीक हो रहा है और आप आगे चल के हो सकता है बाप ना बने। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो आपके एग्जाम से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको करवा दिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, बताइए। एक बच्चे ने पूछा फादर कितनी एज में बन सकते हैं? 12 साल की उम्र में बाप बन सकता है, 12 साल की उम्र में स्पर्म रिलीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 12 साल की उम्र में स्पर्म होना रिलीज होना शुरू हो जाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया है। साइंस में प्रिया मैम टेलीग्राम चल रहे हैं, इसको तुम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सांड और बैल में डिफरेंस बताया। सांड के अगर दोनों टेस्टिस निकाल दोगे तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा गाय भैंस में, वो एक बैल बन जाएगा। अगर सांड गाय के बीच में छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। सेम वही हमारे समाज के अंदर रेपिस्ट का काम है। थैलीनुमस सेक्स डिजायर, जो सेक्स डिजायर आती है वो ज्यादा टेस्ट्रियन जितना ज्यादा बनेगा, टेस्ट्रियन हॉर्मोन जितना ज्यादा बनेगा, सेक्स डिजायर जो होगा वो उतना ज्यादा होगा। चलिए, तब तक के लिए सेशन को जोरदार तरीके से लाइक और शेयर करना ना भूले। अच्छा, कल सैटरडे को कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो, क्वेश्चन सैटरडे संडे टॉपिक पढ़ना चाहते हो, क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो बच्चों? सैटरडे संडे टॉपिक पढ़ना चाहते हो, क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो? पेशाब के थ्रू स्पर्म ना आए, पेशाब के थ्रू स्पर्म आएगा भैया तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, और ये एक बीमारी है, प्रोस्टेट ग्लैंड आपकी कमजोर हो गई है, इसका मतलब। क्लियर है? चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। और सेशन को लाइक, और जितने नए बच्चे, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बच्चों ने बोला टॉपिक टॉपिक टॉपिक, ठीक है, तो कल हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, तो कल सभी के सभी स्टूडेंट्स आना ना भूले। और परसों हम एक साइंस के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करवाएंगे, तो उसमें भी आना ना भूले। मैं आपको रोज मिलूंगी रात के 10 बजे। तब तक के लिए भैया दुआओं में याद रखना और ऐसे ही पढ़ते रहना। जो जो क्वेश्चन आएंगे वो मैंने लॉजिकली बता दिया, और अपने समाज की गंदगी जो है वो हम कैसे हटा सकते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है।